हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने सोशल स्टडीज़ का थर्ड चैप्टर करने वाले हैं क्योंकि हमारा राउंड थ्री चल रहा है। तो आज का जो हमारा चैप्टर दैट इज़ वेदर एंड क्लाइमेट। अब देखिए, ये दोनों चीज़ें ना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो वेदर और क्लाइमेट का एक छोटा सा मेजर डिफरेंस मैं आपको बता दूं। जैसे मैं बोलता हूं ना, आज का वेदर थोड़ा ठंडा है, यानी अगर आप एक दिन दो दिन की बात कर रहे हो ना तो वो समझ लो वेदर के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप बोलो कि यार आज का क्लाइमेट ठंडा है तो यह गलत बोल रहे हो। क्लाइमेट बेसिकली क्या होता है ना, ये सालों सालों के वेदर को स्टडी करके एक सर्वे करने के बाद एक डिसीजन लिया जाता है कि किसी पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश साइड है ना, वहां पर बारिश बहुत होती है क्योंकि वहां पर डेंस फॉरेस्ट बहुत है। तो वहां का जो क्लाइमेट है ना वो कैसा है, रेनी है, मॉनसून है। ठीक है, वहां पर वेटनेस ज्यादा है, गीलापन ज्यादा है। और आप आ जाओ इधर किस तरफ, राजस्थान के साइड, राजस्थान के साइड में क्या, डेजर्ट्स ज्यादा है, तो वहां पे बारिश बहुत कम होती है। तो मैं अगर बोलूं कि वहां का क्लाइमेट कैसा है, तो वहां का क्लाइमेट के लिए मुझे 10 साल 5 साल का जो वेदर रहा है ना उसको चेक करके बोलूंगा कि भाई वहां पर ना हॉट ड्राई क्लाइमेट है, हॉट और ड्राई, क्योंकि गर्मी भी ज्यादा और सूखापन भी ज्यादा है। तो ये दो मेन है ना कंसेप्ट है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब हमको ना पूरे चैप्टर में ये पढ़ना है कि किन किन चीजों की वजह से ना हमारा वेदर या क्लाइमेट पे चेंज होने का असर होता है। ठीक है, तो लेट्स रीड। द एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड अ वेदर। हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे किसी भी पर्टिकुलर टाइम का वेदर, जो एटमोस्फेरिक कंडीशन होगा ना उसको हम लोग बोलते हैं वेदर। जैसे कि आज अपने सूरत में कैसा माहौल है, बारिश वाला, तो हमारा वेदर कैसा है, मॉनसून वाला है। ठंडी के सीजन में तो ठंडी वाला हो जाएगा, लेकिन क्लाइमेट नहीं होगा। क्लाइमेट तो एक अलग चीज है, वो पूरा कैसा है, पूरे वेदर का एवरेज देखकर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस को दिमाग में रखते हुए और लंबे समय तक नोटिस करने के बाद बताया जाता है कि वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है। दीज कंडीशंस इंक्लूड, देखो, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी। ठीक है, इन्हीं की वजह से हम ये बता सकते हैं कि भाई वहां का वेदर कैसा है। क्लाइमेट इज द एवरेज, वर्ड आ गया, एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लंबे समय तक कौन सा प्लेस किस प्रकार का वेदर शो कर रहा है ना, उस वेदर को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। अलग अलग जगह जो है ना पूरे वर्ल्ड में, उनके पास अलग अलग टाइप के क्लाइमेट होते हैं। लुक एट द गिवन मैप, ये एक मैप दिया हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। देखो इसमें अलग अलग कलर है ना, यहां पर आप अपने बुक्स में देखना डार्क ग्रीन है, तो जहां जहां डार्क ग्रीन दिख रहा है ना वहां वहां वेरी हॉट एंड वेट, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी भी है और गीलापन भी है, यानी बारिश भी अच्छी खासी होती है। फिर देखो थोड़ा सा लाइट ग्रीन आया ना, तो वहां पर क्या, लाइट ग्रीन वाले, देखो ये पूरा ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, इंडिया के बीच का पूरा एरिया हो गया। तो यहाँ पर क्या, हॉट एंड वेट, मतलब हॉट मतलब गर्मी है लेकिन उतनी ज्यादा भी नहीं है और गीलापन भी है। सिमिलरली वार्म एंड वेट, मतलब थोड़ा नॉर्मल सा गर्मी, राइट। ये देखो पिंकिश टाइप, थोड़ा मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, मतलब वहां पर क्या है, थोड़ा ठंडक वंडक, थोड़ा हवा हवा बराबर चलता रहता है। वेरी हॉट एंड ड्राई, देखिए सब कुछ लिखा हुआ है और बताया गया कि कहां पर किस प्रकार का क्लाइमेटिक कंडीशन पाया जाता है। ठीक है, अब इधर आ जाओ। वेदर इवेंट्स आर रिकॉर्डेड एंड प्रिडिक्टेड बाय द मिट्रोलॉजिस्ट वर्ल्ड वाइड एवरीडे। पूरे दुनिया का, पूरे हर एक जगह का ना वेदर को है ना रिकॉर्ड किया जाता है, और वो कौन रिकॉर्ड करता है, तो मिट्रोलॉजिस्ट, जो वेदर्स के बारे में स्टडी करते हैं हर दिन का। दे डू दिस विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल सेटेलाइट मीन फॉर वेदर फॉरकास्टिंग। और वो लोग ये जो है ना, ये लोग है ना, ये एक सेटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसकी मदद से वो लोग है ना इस चीज को करते हैं। ठीक है, पता करते हैं कि कौन सी जगह का वेदर कैसा रहने वाला है। वेदर फॉरकास्टिंग का मतलब क्या पता है, कि भविष्यवाणी कर देना। देखो बीच में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था, याद है, तो वो पहले से कैसे पता चल गया, तो वो ये सब सेटेलाइट की मदद से ही पता चलता है और ये मीटरोलॉजिस्ट लोग बता देते हैं। अब कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी वो वजह है जिसकी वजह से क्लाइमेट के ऊपर अफेक्ट होता है, तो सबसे पहले आ गया लैटिट्यूड्स एंड द एंगल्स ऑफ द सन रेज। लैटिट्यूड्स एंड द एंगल्स ऑफ द सन रेज मैं इसको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। शायद मुझे इसको समझाने के लिए ना बुक, एक नोटबुक की भी मदद लेनी पड़ेगी, तो मैं लूंगा और आपको समझाऊंगा। देखिए, द अर्थ इज स्फेरिकल, अर्थ पूरा एक स्फेरिकल शेप में है एंड इट रिवॉल्व अराउंड द सन, और ये सन के आजू तरफ घूमता रहता है। बिसाइड्स इट इज ऑल्सो टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, सीधा नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है। देखिए ये लाइन है ना इस तरीके की नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है, टेढ़ा मतलब टिल्टेड।
देयरफोर द सन रेज डू नॉट फॉल इवनली ऑल ओवर द अर्थ। इसकी वजह से ना जो सन रेज है ना वो हर एक जगह पर ना एक जैसा नहीं गिरता है, ठीक है। द इक्वेटर बींग नियर टू द सन रिसीव डायरेक्ट सनफॉल। देखो ये इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर जो है ना वो सन के नजदीक होता है। मतलब देखो इसमें अगर समझ लो सन यहां पर है तो सबसे जल्दी सूरज की रोशनी यहां पर गिरेगी, फिर थोड़ा दूर ऐसे जाएगा, फिर यहां पर और दूर जाएगा, और यहां पर और दूर जाएगा, और यहां पर ऐसे आएगा। तो देखो सबसे जल्दी रोशनी यहां पर आई यानी सबसे ज्यादा गर्मी यहां पर लगेगी, कहां पर, इक्वेटर पे। देखो फिर से पढ़ता हूं, द इक्वेटर बींग नियर टू द सन रिसीव डायरेक्ट सनलाइट, देयर फोर द एरिया नियर द इक्वेटर हैव हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। इसके लिए जितनी भी जगह इक्वेटर के पास में है ना वो सारी जगहों पर कैसा है, हॉट एंड वेट क्लाइमेट रहेगा। सिंस दिस रीजन फॉल्स बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज कॉल्ड एज ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब देखो ये क्या हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये जो पूरा एरिया है ना ये दोनों कैंसर्स के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में लाई करता है ना, इसके लिए दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में लाई करता है ना, इसके लिए इसको क्या बोला गया, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, कैसा होता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। द टेम्परेचर डिक्रीजेस ग्रेजुअली एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाना शुरू करोगे ना, हाँ, तो टेम्परेचर क्या होता है, घटना शुरू कर देता है। दिस इज बिकॉज द रेज ऑफ द सन फॉल्स इन द स्लैंटिंग वे एंड आर स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। अब देखो ये तो स्ट्रेट आ रहा था, अब यहाँ पर स्लैंटिंग, स्लैंटिंग मतलब थोड़ा तिरछा आ रहा है। अब तिरछा जब रेज आएगा ना तो वो उतना हीट कैरी नहीं करता है, तो जितना जितना वो रे और से दूर जाएगा ना समझ जाना उतना ही गर्मी कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो को फिर से रीड करता हूँ, दिस इज बिकॉज द रेज ऑफ द सन फॉल इन द स्लैंटिंग वे एंड आर स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, दिस मेक्स द एरिया नियर द पोल्स वेरी कोल्ड। और ये जो है ना वहां की जगह को धीरे धीरे ठंडक बनाना शुरू करता है। दिस एरियाज आर ऑल्सो कॉल्ड कोल्ड और फ्रिजिड जोन। क्या बोलते हैं उसको, कोल्ड या फिर फ्रिजिड जोन, ठीक है। देयर आर टू फ्रिजिड जोन्स, द एरिया बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल। देखो ये कौन सा एरिया बताऊं मैं आपको, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ पाया जाता है, पूरा ही पूरा ठंडी होती है। देखो नीचे अंटार्कटिका है, ऊपर भी एक पूरा, मतलब कहते हैं ना पूरा ही ठंडा ठंडा है। क्यों, क्योंकि वहां पर सूरज की रोशनी मतलब बहुत ही कम जाती है, और जाती भी है ना तो उसके अंदर उतनी गर्माहट नहीं होती, उतनी एनर्जी नहीं होती, उतनी हीट नहीं होती है जिसकी वजह से वहां पर गर्मी रह सके, ठीक है। अब देखो ये हो गया नॉर्थ पोल और आर्टिक सर्कल के बीच का एरिया, और ये हो गया साउथ पोल और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का एरिया। देखो ये अंटार्कटिक सर्कल है और ये आर्टिक सर्कल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साउथ फ्रिजिड जोन और इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ फ्रिजिड जोन, नॉर्थ फ्रिजिड जोन और साउथ फ्रिजिड जोन। दिस एरियाज हैव पोलर क्लाइमेट, पोलर मतलब पूरी तरीके से पोल्स वाले क्लाइमेट को हम लोग बोलते हैं पोलर क्लाइमेट, राइट। यहाँ पर ठंडी बहुत ज्यादा होती है। इन बिटवीन द टोरिड एंड द फ्रिजिड जोन, अब देखो टोरिड जोन ये हो गया, ये पूरा टोरिड जोन है, ये पूरा फ्रिजिड जोन था, अब बचा कौन सा, ये वाला विस्तार, ये वाला विस्तार, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, ये हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। लाइज टू अदर जोन्स, दे आर नेदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। और ये जो रेंज होते हैं ना जो टोरिड जोन और आर्टिक जोन के बीच में या टोरिड जोन और अंटार्कटिक जोन के बीच में जो पाए जाते हैं ना, वो ज्यादा ना ही ठंडे होते हैं ना ही गर्म होते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड टेम्परेट जोन, उनको क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। द एरिया बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज कॉल्ड द नॉर्थ टेम्परेट जोन, एंड द एरिया बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज कॉल्ड एज साउथ टेम्परेट जोन। तो ये एक बेसिक चीज क्लियर हो गई। अब देखो मैं एक बार है ना इस चीज को थोड़ा मैं डायग्राम बनाकर आपको अच्छे समझा दूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। हाँ तो देखिए जैसे कि मैं बना रहा हूँ एक अर्थ मैंने बनाया, राइट, ये थोड़ा टिल्टेड फॉर्म में है, ठीक है। बीच में क्या आएगा, इक्वेटर आ गया, ये बन गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये बन गया आपका ट्रॉपिक ऑफ आर्टिक सर्कल, ये आपका बन गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये आपका बन गया अंटार्कटिक सर्कल। देखिए ये 0 डिग्री होता है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है, और ये 90 डिग्री होता है नॉर्थ पोल का, ठीक है। और ये होता है 66.5 डिग्री साउथ पोल, और ये होता है, सॉरी, ये होता है 23.5 डिग्री साउथ, और ये होता है 66.5 डिग्री साउथ, और ये 90 डिग्री साउथ। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है।
इसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, क्या बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, चलो फाइन। अब देखो यहां पर ना तीन जोन से है, कितने जोन से है, तीन जोन। तो देखो सबसे पहले मैं बताऊं कौन से जोन की बात कर रहा हूं, देखो वो वाला जोन जिसको हम लोग ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं वो जोन है ये वाला, ये पूरा, ये जो पूरा दिख रहा है विस्तार आपको, ये ना दो ट्रॉपिक्स के बीच में आता है ना, इसकी वजह से इस जोन का नाम क्या है, ट्रॉपिकल जोन। क्या नाम है इसका, ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। और यहां पर ना सनरेज बहुत ही एक्टिव रहते हैं और इसके लिए यहां पर ना हीट ज्यादा रहता है, यहां पर ना वेरी हॉट एंड वेट क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है अपना कौन सा रीजन मालूम है, फ्रिजिड, फ्रिजिड यानी जहां पर पूरा बर्फ ही बर्फ हो, तो वो ये वाला विस्तार है, ये दोनों। देखो फ्रिजिड जोन साउथ पोल और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में पाया जाता है और नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो बच रहा है ना एरिया, ये वाला देखो, ये पूरा एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, देखो ये वाला जो एरिया है ना वो किसके बीच में आ रहा है, अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आ रहा है, और ये वाला एरिया भी है ना आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो एरिया ना इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन, क्या बोलते हैं इसको, टेम्परेट जोन, क्या बोलते हैं इसको, टेम्परेट जोन, आई बस समझ में। अब यहां पर है ना इसमें ज्यादा गर्मी भी नहीं रहती है और ज्यादा ठंडी भी नहीं रहती है, समझ में आ गया। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, अब नेक्स्ट पर मूव करते हैं। तो यहां पर बच्चों हमने ये सीखा कि जब सन रेज, ठीक है, अगर स्ट्रेट गिरे जिस जगह पर वहां पर ज्यादा गर्मी, एकदम ज्यादा स्लैंटिंग हो जाए तो वहां पर ठंडी, और थोड़ी कम स्लैंटिंग हो तो वहां पर मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। तो वो एक कारण था जिसकी वजह से किसी का वेदर या क्लाइमेट को हम लोग देख सकते हैं। अब दूसरा एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब सी लेवल, सी का जो लेवल है ना उससे कितनी ऊंचाई पर कोई चीज है उसके हिसाब से उसका टेम्परेचर और वेदर और क्लाइमेट नापा जाता है। देखिए एल्टीट्यूड मीन्स हाइट अबोव द सी लेवल, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, सी लेवल के ऊपर की ऊंचाई। इट ऑल्सो अफेक्ट्स क्लाइमेट वेरी मच, और ऊंचाई जितनी सी लेवल के ऊपर होगी ना उतना वो क्लाइमेट के ऊपर अफेक्ट करता है। देखिए द हायर प्लेस अबोव द सी लेवल इज द कूलर, कूलर इज इट्स क्लाइमेट, जो जगह समुद्र से जितना ऊंचा होगा ना समझ लो उसका क्लाइमेट उतना ज्यादा ठंडा है। दिस एक्सप्लेन्स वाई हिल स्टेशंस लाइक कुफरी, ऊटी, शिमला एंड मसूरी रिमेन्स कूल इवन इन समर। देखिए ये सारे ना हिल स्टेशन है, ये क्यों मालूम है, समर में भी क्यों ठंडे रहते हैं, क्योंकि ये समुद्र के लेवल से ना बहुत ही ऊपर है, ठीक है। तो समझ लो कि जो कोई भी जगह समुद्र के लेवल से एकदम ऊंचे ऊंचे एरिया में अगर स्थापित है ना, लोकेटेड है ना, दैट मीन्स वो जगह भी सारी ठंडी रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट, अब डिस्टेंस फ्रॉम द सी, मतलब जैसे कि देखो हमारा सूरत है, तो सूरत क्या सी से बहुत ही नजदीक है, चिपका ही हुआ है, ठीक है, हम उसके पड़ोसी हैं। तो देखते हैं वहां पर ठंडक रहेगी, या दिल्ली जैसा विस्तार जो समुद्र से बहुत ही ज्यादा दूर है वहां पर क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। वाटर हीट्स अप एंड कूल्स डाउन मोर स्लोली देन लैंड, दिस अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ प्लेसेस नियर द सी। देखिए जो पानी होता है ना वो जमीन के कंपेरिजन में ठंडा भी जल्दी कम होता है और कूलिंग भी कम जल्दी होता है, मतलब वो बहुत ही स्लोली होता है, और इसकी वजह से ना वहाँ के क्लाइमेट के ऊपर असर पड़ता है। इन समर द सी ब्रीज कीप्स द प्लेस नियर द सी कूल एंड इन विंटर द सी ब्रीज कीप्स देम वार्म। मतलब होता क्या है कि गर्मी के सीजन में ना जो समुद्र के आजू बाजू की जगह है ना उसको सी ब्रीज क्या करती है, ठंडक रखती है, और विंटर के सीजन में ना सी ब्रीज को क्या करती है, वार्म कर देती है। कहने का मतलब यहाँ पर ना ही ज़्यादा गर्मी लगती है और ना ही ज़्यादा ठंडी लगती है। मुंबई इज क्लोजर टू द इक्वेटर देन दिल्ली, मुंबई जो है ना वो दिल्ली के कंपेरिजन में ना इक्वेटर के थोड़ा नजदीक है, तो होना क्या चाहिए, इट शुड बी वार्मर देन दिल्ली ड्यूरिंग समर, तो वहां पर ज्यादा गर्मी होनी चाहिए ना दिल्ली से, बट होता क्या है, बट दिस इज नॉट सो बिकॉज मुंबई इज सिचुएट ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी वाइल दिल्ली इज अवे फ्रॉम द सी। देखिए हमने पीछे पढ़ा कि जो शहर या जो भी विस्तार इक्वेटर के नजदीक होगा ना तो वहां पर ज्यादा गर्मी होगी, लेकिन दिल्ली और मुंबई में ना मुंबई इक्वेटर के नजदीक है तो मुंबई में ज्यादा गर्मी होनी चाहिए दिल्ली के कंपेरिजन में, लेकिन हो क्या रहा है ना मुंबई में ज्यादा गर्मी नहीं है एज कम्पेयर टू दिल्ली, बिकॉज मुंबई इज लोकेटेड नियर द सी, तो वो सी के पास है, इसकी वजह से ना वहां पर मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। सो मुंबई एक्सपीरियंसेस अ मॉडरेट क्लाइमेट, इट इज नेदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ओके अब बात आ गई नेक्स्ट यानी विंड्स के ऊपर, विंड्स ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, इफ अ विंड ब्लोज फ्रॉम हॉट प्लेस इट विल मेक द क्लाइमेट हॉट इन द सराउंडिंग। अगर देखो विंड है ना कोई गर्म वाली जगह जैसे राजस्थान से, ठीक है, गर्म हवा बह रही है ना
तो हमारे आसपास का जो पूरा क्लाइमेट होगा ना वो भी कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। सिमिलरली इफ अ विंड ब्लोस फ्रॉम अ कूल प्लेस, समझ लो अभी हिमालय के पर्वत की तरफ से हवा हमारी तरफ आनी शुरू हो गई, तो वहां पर पूरा माहौल कैसा होगा, ठंडक, क्योंकि हवा जो है ना वो ठंडी हवा है क्योंकि हिमालय से निकली है, ठीक है। इट विल मेक द क्लाइमेट कूल। फॉर एग्जाम्पल द हॉट विंड ब्लोइंग फ्रॉम द थार डेजर्ट मेक्स द क्लाइमेट ऑफ द दिल्ली वेरी हॉट ड्यूरिंग समर। अब दिल्ली में क्या है ना, थार डेजर्ट से बहुत ही गर्म हवा निकलती है और वो दिल्ली की तरफ जाती है, इसकी वजह से ना दिल्ली में ज्यादा गर्मी होती है। सिमिलरली द कोल्ड विंड ब्लोइंग फ्रॉम शिमला मेक्स द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली वेरी कोल्ड इन विंटर। अब दिल्ली क्या हमारे देश के केंद्र में है, तो हवा दिल्ली से गुजरनी ही गुजरनी है, तो जब थार डेजर्ट से गर्म गर्म हवा निकलती है ना, तो वो दिल्ली से जब गुजरती है तो गर्मी के सीजन में दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और यही सेम चीज ठंडी के सीजन में अगर आपको बताऊं ना, तो शिमला से भी ठंडी हवा निकलती है और वो भी दिल्ली से गुजरते हुए निकलती है, इसकी वजह से ना वहां पर ठंडी भी बहुत ज्यादा होती है। द मॉनसून विंड्स फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रिंग्स रेन ऑल ओवर इंडिया। द क्लाइमेट इन द रेनी सीजन इज हॉट एंड वेट। और देखिए मॉनसून विंड्स अरेबियन सी यानी जो हमारा डुमस के पास जो समुद्र है ना, वहां से मॉनसून विंड्स निकलते हैं और बे ऑफ बंगाल से भी अंदर की तरफ भारत के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से रेन वगैरह हमारे देश में आता है, जिसकी वजह से वहां का जो क्लाइमेट होता है ना वो हॉट भी होता है, थोड़ा वेट भी होता है, ठीक है। अब ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब मालूम क्या है, कभी कभी आप देखना थोड़ा आपको ना हवा में गीलापन सा दिखाई देता है, यानी जब कोई हवा अपने अंदर पानी के ड्रॉपलेट्स कैरी करता है ना, तो हम लोग उसको कहते हैं कि इट इज ह्यूमिड, ह्यूमिडिटी ज्यादा है। देखिए वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। एयर के अंदर जब वाटर वेपर प्रेजेंट होता है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वहां पर क्या ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है। इट ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। और ह्यूमिडिटी कम ज्यादा रहेगा ना, तो उसके क्लाइमेट को असर करेगा। ह्यूमिडिटी ऑफ अ प्लेस इज रिलेटेड टू इट डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब देखिए किसी भी प्लेस की ह्यूमिडिटी किस पर डिपेंड होती है, कि वो सी से कितने डिस्टेंस पर है, कितनी दूरी पर है। इफ अ प्लेस इज नियर द सी यानी कोई जगह समुद्र के नजदीक है ना, इट इज लाइकली टू बी मोर ह्यूमिड, तो वहां पर ज्यादा ह्यूमिड पाया जाता है। दैट इज वाई चेन्नई एंड मुंबई आर मोर ह्यूमिड देन दिल्ली। और इसकी वजह से ना चेन्नई और मुंबई में ह्यूमिडिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिल्ली। अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट मेक्स अस स्वेट अ लॉट। अब गर्म भी हो और ह्यूमिड भी हो ना, तो पसीने ज्यादा निकलते हैं। द विंड कमिंग फ्रॉम द सी कैरीज अ लॉट ऑफ वाटर वेपर। जो नदी समुद्र में से जो विंड आता है ना, वो ज्यादातर वाटर वेपर कैरी करता है। वेन द विंड बिकम्स कूलर, और जब भी एक विंड ना ठंडा होता है ना, द वाटर वेपर्स टर्न्स इनटू क्लाउड। तो वाटर वेपर किस में बदल जाते हैं, क्लाउड में, यानी बादलों में बदल जाते हैं। एंड द क्लाउड फॉल्स ऑन द ग्राउंड एज अ रेन। फिर ये जो बादल है ना वो बारिश के रूप में वापस जमीन पर गिरते हैं। दैट इज वाई कोस्टल एरिया रिसीव मोर रेनफॉल देन अदर एरियाज। एंड द रेन कूल्स द एयर देयर बाई इट अफेक्ट्स द क्लाइमेट। और इसी की वजह से ना हमारे क्लाइमेट के ऊपर रेन्स का बहुत ही बड़ा असर होता है। देखिए इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन आवर लाइफ। हमारे लाइफ में क्लाइमेट का क्या असर होता है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए क्लाइमेट अफेक्ट्स और क्लोथिंग। क्लाइमेट की वजह से हमारा ड्रेसिंग सेंस चेंज होता है। अभी आप नॉर्थ में जाओ, यहाँ तो हम लोग देखो बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, ठंडी के सीजन में भी ना सूरत के अंदर है ना नॉर्मल क्लाइमेट होता है, ज़्यादा ठंडक नहीं होती है। इसकी वजह से हम लोग देखना दिन में बिना मतलब जैकेट वगैरह के स्वेटर वगैरह के घूम लेते हैं, लेकिन यही सीजन में आप यूपी में चले जाओ तो हालत खराब हो जाएगी। दिन में भी ना आपको जैकेट या स्वेटर पहनना पड़ता है। हाउसिंग का सिस्टम पूरा बदल जाता है, ईटिंग हैबिट्स हमारी बदल जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पीपल इन चेन्नई वियर लूज कॉटन क्लोथ्स बिकॉज दे एक्सप्रेस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। देखिए चेन्नई में ना ज़्यादातर लोग हल्का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है। सिमिलरली पीपल इन यूरोपियन कंट्रीज ईट अ लॉट ऑफ फैट, फैट यानी मीट, बिकॉज द क्लाइमेट ऑफ द यूरोप इज कोल्ड एंड द फैट कीप देम वार्म। अब देखो यूरोप के लोग जो होते हैं ना वो ज़्यादातर मीट वगैरह क्यों खाते हैं, ताकि ठंडी में ना उनको गर्माहट मिल सके, क्योंकि मीट से उनको क्या मिलता है, फैट मिलता है, और फैट क्या करता है, शरीर को गर्म रखता है, चर्बी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज हम लोगों ने ये देखा कि भाई हमारे क्लाइमेट को, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा कि भाई अर्थ का जो रे आता है ना वो स्ट्रेट आएगा, स्लैंट आएगा, तो क्या क्या असर हमारे टेम्परेचर या क्लाइमेट या वेदर पे पड़ेगा। फिर एल्टीट्यूड देखा, ऊंचाई, समुद्री लेवल से ऊंचाई पे। फिर हम लोग देखा समुद्र से दूरी पर। फिर हम लोग देखा विंड्स का क्या रोल है। फिर हम लोग देखा ह्यूमिडिटी का क्या रोल है। और इसी के हिसाब से हमारा चैप्टर समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।